हिस्टोलॉजी का जो चैप्टर बता रहे थे, स्टेनिंग मेथड टू डेमोन्स्ट्रेट स्पेशल स्पेसिफिक टिश्यू, यानी कि कुछ स्पेशल या स्पेसिफिक टिश्यू एलिमेंट को कैसे स्टेन करके उसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उस चैप्टर को बता रहे थे। तो उसमें कुछ स्टेन्स के बारे में बताए हैं, आज बताने जा रहे हैं पर्शियन ब्लू स्टेन को। सबसे पहले तो इसका एम देख लेते हैं कि क्यों यूज़ किया जाता है। तो पर्शियन ब्लू स्टेन का यूज़ किया जाता है टिश्यू में आयरन को डिटेक्ट करने के लिए। और इसका प्रिंसिपल दिया है कैसे ये काम करता है। तो जो टिश्यू में आयरन प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होगा, फेरिक के फॉर्म में। फेरिक आयरन प्रेजेंट होगा टिश्यू में और वही क्या करेगा, कंबाइन करेगा किसके साथ, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ, जो कि पर्शियन ब्लू में प्रेजेंट होगा, और बना देगा क्या, फेरिक फेरोसाइनाइड बना देगा। और ये जो फेरिक फेरोसाइनाइड बनाता है ये ब्राइट ब्लू कलर का होता है, और इसी ब्राइट ब्लू कलर से हम पहचानते हैं कि आयरन प्रेजेंट है या नहीं। मतलब ये कलर होगा तो आयरन होगा, नहीं इस कलर में चेंज हुआ तो आयरन नहीं होगा। और दूसरी बात एक और बताया हुआ है कि पर्शियन ब्लू जो रहता है वो कैसा रहता है, तो इनसॉल्युबल रहता है, मतलब सॉल्युबल नहीं होता, इसीलिए इसको दूसरे केमिकल के साथ कंबाइन करके तब यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल। अब यहाँ पे कौन कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे, मतलब केमिकल्स यूज़ करेंगे वो बताया हुआ है। तो सबसे पहले 2% हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए हमको, 2% पोटेशियम फेरोसाइनाइड चाहिए, और 0.1% बेसिक फिक्सिन चाहिए होता है। और इसमें भी क्या क्या प्रेजेंट है वो बताया हुआ है कि 2% हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या क्या होता है। तो कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं 2 ml, और फिर डिस्टिल वाटर चाहिए होता है 98 ml, दोनों को मिला करके बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और 2% पोटेशियम फेरोसाइनाइड में क्या क्या रहता है, तो 2 mg पोटेशियम फेरोसाइनाइड और 100 ml डिस्टिल वाटर। और 0.15% बेसिक फिक्सिन में क्या रहता है, तो 0.15 ग्राम बेसिक फिक्सिन और 50% एथाइल अल्कोहल रहता है 100 ml। लेकिन ये मतलब सिर्फ कंपोजिशन दिया हुआ है कि होता क्या क्या है, बनाना नहीं पड़ता है, क्योंकि मार्केट में उस तरह से अवेलेबल केमिकल मिलता है। बस हमको ये तीनों रिएजेंट चाहिए। इसके बाद बताते हैं प्रोसीजर यानी मेथड कि अब इसमें काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो स्लाइड होगा, जो एम्बेडिंग करके, कटिंग करके, माइक्रोटोमी करके जब स्लाइड बना लेते हैं, जैसे कि ये टिश्यू है, टिश्यू पैराफिन वैक्स के साथ है क्योंकि माइक्रोटोमी किया गया है एम्बेडिंग करके। एम्बेडिंग और माइक्रोटोमी करने के बाद ये स्लाइड बना है। एम्बेडिंग माइक्रोटोमी क्या है अगर ये जानना है तो इस पर वीडियो बना हुआ है, वो जा करके देख लीजिए। इससे पहले मतलब यहीं से काम नहीं होता है, इससे पहले टिश्यू का पूरा प्रोसेसिंग होता है, फिक्सेशन, डिकैल्सिफिकेशन, टिश्यू प्रोसेसिंग, एम्बेडिंग, माइक्रोटोमी, तब जाके यहाँ तक स्टेप पहुँचता है, तब जाके इस स्टेप से फिर स्टेनिंग किया जाता है। तो इससे पहले का जितना भी स्टेप्स है वो देखना है तो सारा वीडियो पीछे का एक एक करके बना हुआ है सारा स्टेप्स, तो वो सब जा करके देख सकते हैं। तब जाके इस तरह से स्लाइड पे हमको टिश्यू मिल जाता है, तब हम यहाँ से स्टेनिंग करते हैं। तो इसी को स्टेनिंग करना है। तो यही स्लाइड है, टिश्यू है इस पे। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले कि वाटर में रखना है, वाटर में रख करके निकाल लिया, और निकाल करके अब इसको किस में डालना है, तो 2% पोटेशियम फेरोसाइनाइड और 2% हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इक्वल अमाउंट में मिक्स करके और उसी में स्लाइड को डाल देना है। और कितने देर तक रखना है, 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद निकाल करके उसको वाटर से वॉश कर लेंगे, फिर इसको काउंटर स्टेन करेंगे बेसिक फिक्सिन में या फिर इओसिन में। कितने देर के लिए, तो 30 सेकंड के लिए, यानी कि बेसिक फिक्सिन में डाल करके रखेंगे 30 सेकंड, फिर वहाँ से निकाल लेंगे। काउंटर स्टेन पहले भी बता चुके हैं, काउंटर स्टेन का कहने का मतलब होता है दोबारा स्टेन करना, मतलब एक बार तो इससे कर चुके तो जो आयरन होगा वो इससे दिखेगा, लेकिन बाकी का जितना पार्ट रहेगा वो भी तो दिखना चाहिए, बैकग्राउंड भी तो दिखना चाहिए।
तो वाटर से वॉश करने के बाद जो है आयरन के अलावा जो भी रहता है वो सबसे कलर हट जाता है। तो हट गया, लेकिन हमको बैकग्राउंड भी कलर्ड होना चाहिए, कंट्रास्ट होना चाहिए दो कलर तीन कलर में, तभी हम माइक्रोस्कोप में आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए उसको काउंटर स्टेन करते हैं ताकि आयरन का तो ब्लू कलर दिखेगा ही, बाकी सारा भी बैकग्राउंड का कोई ना कोई कलर दिखे। इसके लिए हमको काउंटर स्टेन करना होता है। जब धुल जाता है तो दोबारा स्टेन कर लिया जाता है। इतना करने के बाद, काउंटर स्टेन करने के बाद अब क्या करेंगे, उसको वॉश कर देंगे वाटर से, फिर डिहाइड्रेट करेंगे, फिर क्लियर करेंगे ज़ाइलीन में, और फिर माउंट कर देंगे डीपीएक्स में। तो डिहाइड्रेट कैसे करते हैं वो पहले ही बता चुके हैं कि ये तो हो गया, इस तरह से स्टेन करेंगे रिएजेंट्स में डाल करके, जितना देर के लिए छोड़ना है छोड़ा और निकाल लिया। इसके बाद डिहाइड्रेट जो करते हैं इस तरह से कि सारा अल्कोहल रहता है, 10% अल्कोहल, 30% अल्कोहल, 50% अल्कोहल, 70% अल्कोहल, 90% अल्कोहल और 100% अल्कोहल, जिसको कि एब्सोल्यूट अल्कोहल बोला जाता है। तो सब में 2 मिनट 3 मिनट एक एक करके रख रख के निकालते जाएंगे, और उसके बाद फिर क्लियर कर लेंगे ज़ाइलीन में। तो ज़ाइलीन में क्लियर करने का भी मतलब बस यही होता है कि सारे सॉल्यूशन से होकर के उसमें ज़ाइलीन में डाल दिया तो वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, साफ़ हो जाता है, और उसके बाद फिर उसको माउंट करते हैं। माउंट करने का ये तरीका है, DPX एक केमिकल रहता है छोटे से बॉटल में, एकदम गम जैसा चिपचिपा, तो उसको एक ड्रॉपर की मदद से, ये टिश्यू है जो स्टेन हो गया है उसको ड्रॉपर की मदद से उसके ऊपर क्या डाला, DPX डाला, फिर ऊपर से कवर स्लिप इस तरह डाल करके उसको ढक देंगे तो वो उसमें चिपक जाएगा। तो इस तरह से फिर परमानेंट स्लाइड बन जाता है, और फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो इस तरह का कुछ कलर हमको दिखाई देगा। और वही यहाँ पे है कि ब्राइट ब्लू कलर जो जो दिखाई देगा तो वो हमको कौन क्या दिख रहा है, वहाँ पे आयरन दिख रहा है, और अगर आयरन नहीं रहता तो ब्राइट ब्लू कलर यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ है कि फेरिक आयरन जो रहेगा उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू, और न्यूक्लियस जो दिखेगा वो रेड कलर का, और जो बाकी जितना भी टिश्यू का पार्ट रहेगा वो पिंक कलर का। इसके अलावा यहाँ पे नोट दिया हुआ कि ऑल ट्रेसेस ऑफ फेरोसाइनाइट शुड बी रिमूव बिफोर इट काउंटर स्टेन, अदरवाइज अ डार्क रेड फाइन प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। बोल रहा है कि सारा जो है फेरोसाइनाइट का जो भी रहता है ट्रेसेस वो सब रिमूव हो जाता है, धुल जाता है, और इसीलिए काउंटर स्टेन किया जाता है ताकि रेड कलर का बाकी बैकग्राउंड हमको दिखाई दे। तो यही था पर्शियन ब्लू का तरीका, एम, प्रिंसिपल, मेथड सब। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट कर दीजिएगा, कहीं पे प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।